हेलो दोस्तों, शेर तो माय गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज आपको मेरे गार्डन में कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, मैंने अपने गमलों को पेंट किया है, थोड़ा सा मेकओवर दिया है। तो बस उसी के बारे में हम आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। कौन सा पेंट और कौन सा इमल्शन आप अपने गमलों पे यूज़ करें, तो बस इसी के बारे में हम आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है। तो ये देखिए कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने डाली हैं आपको दिखाने के लिए कि बिफ़ोर पेंट मेरे जो गमले थे और मेरा जो गार्डन है वो इस तरीके से नज़र आ रहा था। तो ये देखिए, बात करते हैं इस इमल्शन के बारे में जो मैंने अपने गमलों पे पेंट किया है। तो ये जो इमल्शन है, ये मुझे एग्जॉन कंपनी का इमल्शन मिला है हार्डवेयर की शॉप से। तो ये जो है बेसिकली एक्सटीरियर इमल्शन है जो कि आप किसी भी आउटर लेयर पे पेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सेरामिक और अपने मिट्टी के गमलों की बात करें, तो आप मिट्टी के जो गमले हैं उनकी आउटर लेयर पे इस तरीके के पेंट्स को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि अगर पेंट कर देते हैं जो प्लास्टिक पेंट आता है, अगर हम वो अपने मिट्टी के गमलों पे पेंट करेंगे तो वो जो है वो ब्लॉक कर देगा हमारी लेयर को, आउटर लेयर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो ठंडक है वो अंदर तक रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। जो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होगी और जो ठंडक है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए उस तरह का पेंट आप यूज़ ना करें अपने मिट्टी के गमलों के लिए। आप एक्सटीरियर इमल्शन यूज़ करें जो कि आपकी आउटर लेयर को ब्लॉक नहीं करता और आपके मिट्टी के गमलों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता। तो बस इस पेंट को आप घोलने के लिए सबसे पहले किसी भी कंटेनर में जो पेंट है उसको ले लीजिए। और ये जो पेंट है आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो हमें इतना थिक पेंट अपने गमलों पे अप्लाई नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप हाफ ऑफ अमाउंट जो पेंट है वो निकाल लीजिए। कोशिश करिए सारा पेंट एक साथ ना घोलें, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एक ही दिन में सारे गमले पेंट करने वाले हैं तो आप उस हिसाब से करिएगा। तो बस मैंने हाफ अमाउंट पेंट लिया है और उसमें मैंने हाफ अमाउंट वाटर ऐड किया है। मैंने ज़्यादा वाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं सिंगल कोट करने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पेस्ट अपना थिक रखूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे सिंगल कोट करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक पेस्ट रखा है। तो बस आप इस तरीके से ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, पूरी तरीके से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए, जिससे किसी भी तरह का कोई लंप या कुछ भी ना रह जाए और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो बस अब उसके लिए तैयारी करते हैं, सारे गमलों को सेट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक गमला निकालती हूँ और आप ये देख रहे हैं मैं रेखमाल की मदद से, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने गमले की जितनी भी डस्ट और डर्ट है, मिट्टी है, उसको रेखमाल से क्लीन कर लीजिए। तो वो स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने जो पेंट ऑलरेडी घोल के रखा है साइड में, आप उसको अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आपका गमला पूरी तरह से क्लीन होगा और मिट्टी नहीं होगी, तो आप जब अपने गमले पे पेंट अप्लाई करेंगे तो एक स्मूथ सरफेस निकल के आएगा और आपका गमला जब पेंट हो जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा नज़र आएगा। इसलिए एश्योर कर लें कि जब भी आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप अच्छी तरह सारी मिट्टी को हटा लीजिए और बिल्कुल क्लीन कर लीजिए अपने गमले को, देन उसके बाद आप पेंट अप्लाई करें, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसी तरह से आप अपने गमले पे पेंट अप्लाई कर सकते हैं। और आप जितने भी आपके गमलों की ये बाउंड्रीज़ हैं, इस पे भी आप ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली आप सारे गमलों को पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा एकदम इस गमले की खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है और कितना अच्छा कलर आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा टेक्सचर आएगा कलर का, बट लिटरली ये बहुत अच्छा आया है। तो मुझे ये डिसीज़न अच्छा लगा इस पेंट को यूज़ करने का। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करा है, तो आप भी अपने गमलों पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ही प्रोसीजर सारे गमलों पे करना है, पहले उनको क्लीन करना है, देन उसके बाद उस पर पेंट अप्लाई करना है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे अपने सारे गमलों पे पेंट कर सकते हैं। तो आइए इंजॉय कीजिए मेरे गमलों को, कैसे मैंने पेंट किया है, बस वही मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ।
तो बस फटाफट आप अपने गमलों को इस तरीके से पेंट कर लीजिए। तो मेरे तो बहुत सारे गमले हैं तो आज तो पूरे नहीं हो पाएंगे, बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ जितने हो सकते हैं उतने मैं कर लूँगी। तो ये देखिए किस तरीके से मैं सारे अपने एक एक करके गमलों को पेंट करती चली जा रही हूँ। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने इस गमले की मरम्मत की थी POP से, तो वही गमला वो था जिस पर मैंने मरम्मत की है। और ये देखिए ये वाला गमला भी है जिस पर मैंने मरम्मत की थी। तो बस इसी के साथ ये सारे गमले मेरे होते चले जा रहे हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये गमला कैसा लग रहा है, बहुत पुराना हो चुका था तो पेंट होने के बाद ये देखिए इसका रूप कितना ज़्यादा बदल जाएगा, बिल्कुल नया लगने लगता है। अगर आपका पुराने से पुराना गमला भी ना बिल्कुल नया होता चला जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे एफर्ट हमें अपने गार्डन में डालने चाहिए। अगर आपको शौक़ है तो आपको ज़रूर करना चाहिए ये सब, और शौक़ नहीं भी है तो आप कीजिए। थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ती है आपके घर की, आपके गार्डन की, आपका मन करेगा वहाँ बैठने का, वहाँ बैठ के चाय पीने का या कुछ भी। आप शाम के टाइम पे बैठिए अपने गार्डन में और अपने कुछ ना सही तो आप अपने गार्डन की तरफ ही देखिए तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस इसीलिए छोटे छोटे एफर्ट से हम अपनी चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, इसलिए हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए लाइफ में। तो ये देखिए इसी के साथ मेरे सारे ऑलमोस्ट ये वाली जो लेयर लाइन है इसके गमले पेंट हो चुके हैं। तो बस मैं उन्हें उनकी जगह पे वापस रख देती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। इस एमल्शन का सबसे बेस्ट बात ये है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है, लगाने के 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो आपके जो हाथ हैं वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा जो ये एरिया है इसका तो रंग ही बदल गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो मुझे। अभी आप वीडियो में शायद इतना नहीं देख पा रहे होंगे बट सामने से ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये जो मेरी लेयर लाइन है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली रो रहती है। अभी उधर भी मेरे कुछ गमले रखे हैं मिट्टी वाले जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो बस ये जो गमले हैं ये तो 2-3 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और पेंट होता रहेगा। तो ये देखिए एकदम रूप बदल गया है मेरे गार्डन का और कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।